जल्दी से सारांश आप देखिए, वो बता रहे हैं कि झारखंड में किस तरह की बड़ी बड़ी तैयारी, जो डबल इंजन की सरकारें जहां पर हैं उनकी उस तरह की तैयारी नहीं है जितना कि झारखंड ने अपने आप को चुस्त दुरुस्त कर लिया है कोरोना रोकने के लिए। चित्रा जी, आपने मेरे को दोनों बार बोलने नहीं दिया, मेरे को आप जरा 15 सेकंड दीजिए, मेरी पूरी बात आजान दीजिए। सबसे पहले तो मैं, आपने मुझसे पूछा था राहुल गांधी जी की यात्रा के बारे में, मैं बता दूं मध्य प्रदेश में और राजस्थान में या पूरे देश में पूरी तरह फ्लॉप हुई है यात्रा, और इसलिए राहुल गांधी की यात्रा के डर के मारे हमने कोई पत्र लिखा हो ये कहना अर्थ का अनर्थ लगाना होगा। मैं एक बात चित्रा जी बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कमलनाथ जी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और उनके बेटे हैं छिंदवाड़ा से सांसद हैं नकुलनाथ जी। 3 दिन पहले नकुलनाथ जी ने एक सार्वजनिक सभा में, एक जनसभा में कहा है कि मेरी सभा में राहुल गांधी की यात्रा से ज्यादा भीड़ है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक रूप से कहा है नकुलनाथ, जो कांग्रेस के सांसद हैं, कि राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, उनकी यात्रा में इंतजाम ठीक नहीं है, उनकी यात्रा में कोई भीड़ नहीं आ रही, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है राहुल गांधी की यात्रा से। अब बन्ना गुप्ता जी कह रहे हैं कि जफर भाई बार बार इसको भारत तोड़ो यात्रा क्यों कह रहे हैं, निश्चित रूप से भारत तोड़ो यात्रा है। जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जिस यात्रा में लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को गले लगाए राहुल गांधी, टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार जी इस यात्रा में कदम ताल करते हुए राहुल गांधी के साथ चले, तो इसको भारत जोड़ो यात्रा कैसे कहेंगे। जिस यात्रा में वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी को का अपमान किया जाता हो, भारत जोड़ने वाली यात्रा होगी। और फिर मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जैसे कोई भी ऐसी यात्रा निकाल ले, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में जिम्मेदारी की सरकार चला रही है। यदि कोरोना हमारे पड़ोस के देश में आया है, और आप सीक्वेंस देखिए चित्रा जी, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यदि हम 2 साल पहले की बात करें तो यही समय था जब चाइना में आया, और वो बढ़ते बढ़ते मार्च अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल तक हिंदुस्तान में बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ था। इसलिए चिंता हम ना करें, पर हम चिंतन जरूर करें, हम ये सुनिश्चित करें कि इस तरह के कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में यदि हमारी गलती के कारण जनता की जान पर बनाए तो मुझे लगता है उस पर जरूर विचार करना पड़ेगा। संजय निरुपम जी कह रहे हैं कि हम डर गए, हमें डरने की क्या आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि इस जो पत्र लिखा गया, मैंने पहले भी ये कहा था कि उसमें 2 बातें की गई है। एक तो ये कहा गया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि कोरोना प्रोटोकॉल का हम ध्यान रखें, क्योंकि हिमाचल के मुख्यमंत्री जो कि बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए वो यात्रा में गए थे, इसलिए लिखा गया। और दूसरी बात, जहां तक आपने मध्य प्रदेश की तैयारी की बात की है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बन्ना गुप्ता जी ने बहुत बातें की, डबल इंजन की सरकार मेरे मित्र हैं, बहुत काबिल स्वास्थ्य मंत्री हैं, पर इनसे ये तो पूछ लीजिए जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन कहां से आई, किसने दी इनको, क्या केंद्र सरकार ने नहीं दी, मोदी जी की सरकार ने नहीं दी। यहां पर ये इतनी ताली ठोक ठोक के डबल इंजन की सरकार और मोदी जी ने नहीं किया, ये हमने किया, इनसे पूछिए झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन आई है तो ये किसके सहयोग से आई है, यदि ये आरटीपीसीआर के टेस्ट कर रहे हैं ये किसके सहयोग से कर रहे हैं, यदि इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाए तो क्या केंद्र की सरकार ने इनको सहयोग नहीं किया। केंद्र की सरकार ने बड़े भाई के रूप में काम किया है सरकार को, इसलिए आज थप्पड़ मार रहे हैं। मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जब आपकी सरकार बनी थी सर दिसंबर 2019 में, और उसके पहले तो कोरोना था नहीं ना। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूं, तो नरेंद्र मोदी जी ने, बन्ना गुप्ता जी एक लाइन में संदेश का इंतजार कर रहे हैं, अलग हटकर बात करेंगे। मैडम बोलिए बोलिए सर बोलिए। मैडम ऐसा है, सारंग भाई हमारे बड़े अच्छे मित्र भी बड़े भाई भी हैं, लेकिन इनको पूछिए कि ये देश फेडरल गवर्नमेंट का देश है, 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारा जो है कोयला का रखा हुआ है, हमारा जो है इतना अभी 2500 करोड़ रुपया हमारा जीएसटी का नहीं दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये क्या मोदी जी अपने पॉकेट से दे रहे हैं? केंद्र की सरकार के सहयोग से दे रहे हैं? हमारा हक अधिकार है, हमारा हक अधिकार है, हमारा 1.5 लाख करोड़ जवाब बहुत देर से वो हमारे साथ बने हुए हैं। टीएस सिंहदेव जी सीधे आपके पास आते हुए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या रोक देनी चाहिए बढ़ते खतरे के मद्देनजर, जो बीजेपी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि भीड़ आ रही है और उससे खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। मैं आ रही हूँ संजय जी उसके बाद। दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट रहा, गैर जिम्मेदाराना ही कमेंट में कहूंगा,
ओमिक्रॉन या कोरोना जैसे संक्रमण जो वैश्विक एक आपदा सी भी बन गई थी, हाँ आज उसके बारे में किसी राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति के कार्यक्रम के बारे में कमेंट करना, ये मैं सोचता हूं कि बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। और हम उम्मीद नहीं करते कि देश की सरकार में जो बैठे जिम्मेदार साथी हैं वो इस प्रकार का कमेंट करेंगे। प्रोटोकॉल किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, किसी कार्यक्रम के लिए नहीं हो सकता, ये तो पूरे देश के हर जनप्रतिनिधि, हर सोशल कार्यक्रम, हर रिलीजियस कार्यक्रम, कहीं भी ज्यादा भीड़ भाड़ हो, मेले हो, अन्य जगह जहां लोग जमा होते हों, शादी ब्याह हो, गमी की बात हो, ये सभी जगह के लिए एक सामान्य सा कार्यक्रम प्रोटोकॉल आता है। किसी एक कार्यक्रम के लिए बात करना बात को राजनीति की ओर ले जाता है। इसे भीड़ तो पूर्ण आ रही है परहेज ना करना लेकिन उसमें। चाहिए। और हाँ कोरोना के समय खास करके या ऐसे किसी भी आपदा के समय राजनीति की बात तो होनी ही नहीं ठीक चाहिए। है सर, आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स कर रही है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।